हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है कि खराब मौसम में सोलर पैनल कितना आउटपुट देते हैं, कितना वोल्टेज निकलता है और कितना उनसे एम्पियर आता है, वो हम चेक करेंगे। खराब मौसम देखिए इस प्रकार का है, बादल हैं और ऊपर सूरज बिल्कुल हल्का सा दिखाई पड़ रहा है, मतलब बादलों के बीच से हल्की रोशनी आ रही है, लेकिन कोई गर्मी नहीं है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। तो ऐसे मौसम में इनका करंट और वोल्टेज चेक करने जा रहा हूँ। ये चारों सोलर पैनल पैरेलल कनेक्ट किए हुए हैं। पैरेलल का मतलब ये है कि प्रत्येक सोलर पैनल की जो हमारे पॉजिटिव की वायर है, प्लस की जो वायर है, उन चारों वायर को जोड़ करके हमने एक तार निकाल ली है प्लस की, और इन्हीं चारों का जो नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव जो वायर है, उन सबको जोड़ करके हमने एक नेगेटिव वायर निकाल ली है जो हमारे इन्वर्टर में जा रही है। ये पैनल है, ये है वारी का, इसकी मैक्सिमम जो पावर है वो है 330 वाट की, और इनका जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो है 9.25 एम्पियर, और इसका जो ओपन सर्किट वोल्टेज है वो है 48.7 वोल्ट। यहाँ आप देखेंगे मेरे पास ईस्टमैन का सोलर इन्वर्टर है, और यहाँ ये मैं इसको, ये होल्ड का बटन है, और यहाँ से इसकी लाइट ऑन हो जाती है। अभी आप देखेंगे कितना वोल्टेज आ रहा है और कितना करंट आ रहा है। तो ये मैंने यहाँ पर होल्ड कर दिया है, इससे होल्ड होता है। तो देखिए 26.1 वोल्ट आ रहा है। इससे बैटरी है वो बहुत ही धीरे चार्ज हो रही है। जब दिन में पूरी धूप होती है तो उस समय ये जो वोल्टेज है ये 30 वोल्ट भी क्रॉस कर जाता है, 30-32 वोल्ट तक आ जाता है। अब हम एम्पियर की बात करेंगे, होल्ड हटा देता हूँ, और अभी आप देखेंगे होल्ड वापस कर दिया है। ये एम्पियर बता रहा है जो हमारे चारों सोलर पैनल से मिलकर आ रहा है। अभी इस मौसम में 9.4 एम्पियर करंट आ रहा है, और जब पूरी धूप होती है गर्मी के दिनों में, अभी 12, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, ये जो एम्पियर है वो 30 एम्पियर तक पहुंच जाता है। तो ऐसे खराब मौसम में भी हमारे सोलर पैनल हैं वो केवल लाइट के ऊपर काम कर रहे हैं और बैटरी को हल्का फुल्का चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने बताने का प्रयास किया है कि खराब मौसम में हमारे सोलर पैनल वोल्टेज और एम्पियर निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।